गुजरात और हैदराबाद का मैच बारिश की वजह से रद्द, प्लेऑफ में पहुंची SRH। IPL 2024 के 66वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने के कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले, इससे हैदराबाद के 15 अंक हो गए हैं और उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। IPL 2024 के 66वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से इस मैच में टॉस तक नहीं हो पाया और बिना एक भी गेंद फेंके इस मैच को रद्द कर दिया गया। इस मैच के रद्द होते ही दोनों टीमों में 1-1 अंक बांट दिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद की टीम के 15 अंक हो गए हैं और प्लेऑफ में पहुंचने वाली ये तीसरी टीम बन गई है। गुजरात की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, अब दिल्ली कैपिटल्स भी इस रेस से बाहर हो गई है। उसके लिए ये केवल औपचारिक मुकाबला था, अब हैदराबाद की टीम लड़ाई टॉप 2 में बने रहने की होगी। बदले का मौका गवाया। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 15 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही टीम ने प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मैच रद्द होने से उसे नुकसान ही हुआ है। हैदराबाद शानदार फॉर्म में थी और उसने 8 मई को लखनऊ सुपर जॉइंट्स को बुरी तरह हराया था। 166 के लक्ष्य को 9.4 ओवर में ही बिना विकेट खोए चेंज कर दिया था। इसके अलावा टीम को एक सप्ताह का आराम भी मिला था, ऐसे में उनके लिए पूरा मौका था कि वे अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस से अपना बदला पूरा करें और 2 अंक भी हासिल कर लें। इस तरह टीम के पास 18 अंक हासिल करने का मौका होता, लेकिन मैच रद्द होने के कारण 1 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब टॉप 2 की लड़ाई। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल तीसरे नंबर पर है, लेकिन अब वह टॉप 2 में जाने की कोशिश करेगी। इसके लिए उसके पास केवल 1 मैच बचा है, 19 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ इसी मैदान पर खेलेगी। अगर पैट कमिंस की टीम यह मैच जीत जाती है तो उसके 17 अंक हो जाएंगे, लेकिन टॉप 2 में जाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। इसके लिए राजस्थान रॉयल्स को भी अपना 14वां और आखिरी ग्रुप मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से हारना होगा, इससे वह 16 अंक पर रुक जाएगी और हैदराबाद दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। टॉप 2 में रहने से SRH को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 2 मौके मिलेंगे।